अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने उन डायरेक्टर्स के बारे में बात की थी जो अब थोड़े से ओवररेटेड लगने लगे हैं, जिनमें कबीर सिंह और एनिमल फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा भी इंक्लूड थे, और साथ ही में उनकी फिल्मों के अंदर दिखाई जाने वाली वल्गैरिटी और टॉक्सिक कैरेक्टर्स के बारे में भी मैंने बात की थी, जिसको लेकर लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी रखे थे, जिसमें से कुछ ओपिनियन नेगेटिव थे वही कुछ पॉजिटिव भी थे। खैर, आज के इस वीडियो में हम संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म मेकिंग, उनकी फिल्में आखिर इतनी ज़्यादा वायलेंट क्यों होती है और वो सच में ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वेल, संदीप रेड्डी वंगा का करियर काफ़ी सालों पहले ही शुरू हो गया था, जहां उन्होंने 2005 में आई फिल्म मनसु माता विनादु में अप्रेंटाइल के तौर पर काम किया था, जिसके बाद 2010 की फिल्म केडी और 2015 की फिल्म मल्ली मल्ली इडी रानी रोजू जैसी फिल्मों के अंदर ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था, जिसके बाद उन्होंने 2013 में ही अर्जुन रेड्डी की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था, और 2015 में ही उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट नरेट भी की थी और वो इसके लिए एग्री भी हो गए, और प्रोड्यूसर ने ही वंगा को विजय देवरकोंडा के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बाद अर्जुन रेड्डी की मेकिंग शुरू हुई। लेकिन एक्चुअली संदीप रेड्डी वंगा इससे पहले शुगर फैक्ट्री नाम की एक फिल्म से अपना डेब्यू करना चाहते थे, लेकिन वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई, और रूमर्स के हिसाब से वो एक रोमांटिक फिल्म होने वाली थी जिसमें हमें नानी लीड रोल में नज़र आने वाले थे। लेकिन फाइनली काफ़ी सारी डिफिकल्टीज के बाद अर्जुन रेड्डी बनकर तैयार हुई और 5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया। लेकिन इस फिल्म के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जहां इस फिल्म के पोस्टर में ही स्मोकिंग और ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया गया था। वहीं इस फिल्म के रिलीज़ के बाद भी इस फिल्म के अंदर लीड कैरेक्टर के टॉक्सिक और मिसोजिनिस बिहेवियर के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन जब फिल्म अच्छा खासा पैसा कमा रही हो तो इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन रेड्डी के सक्सेस के बाद इस फिल्म को बॉलीवुड में भी शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह के नाम से रीमेक किया गया, और अगेन इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, स्पेशली उस सीन के अंदर जहां पर शाहिद कपूर कियारा आडवाणी को स्लैप करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर कोई भी असर नहीं पड़ा और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 378 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिसके बाद रिसेंटली एनिमल फिल्म रिलीज हुई थी और इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन इसका इस फिल्म पर भी कोई असर नहीं पड़ा और इस फिल्म ने भी वर्ल्ड वाइड 917 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि संदीप रेड्डी वंगा एक बहुत ही टॉक्सिक डायरेक्टर है, और इस वीडियो के अंदर मैं उसके पीछे के रीजंस बताऊंगा। वेल, वंगा की फिल्म अर्जुन रेड्डी एक लव स्टोरी फिल्म थी जिसमें लीड एक्टर डॉक्टर के रोल में नजर आया था, वही फिल्म की लीड एक्ट्रेस उसकी जूनियर के रोल में थी, और फिर फिल्म की कहानी के हिसाब से उन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है और फैमिली रीजंस के चलते वो दोनों अलग भी हो जाते हैं, जिसके बाद फिल्म का लीड हीरो ड्रग्स ड्रिंकिंग और बहुत सारी वल्गर एक्टिविटीज पर उतर आता है, जिसमें वो अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है। क्यों? क्योंकि उसका लव फेलियर हुआ है, और इतनी सारी चीज़ों के होने के बावजूद आखिर में हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है। लेकिन देखा जाए तो एक ऐसी ही फिल्म आई थी शाहरुख खान की फिल्म देवदास, जिसमें भी सेम इसी तरह की कहानी देखने को मिलती है, और उसमें भी देव का कैरेक्टर लव फेलियर के बाद चंद्रमुखी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के घर पर रहने के लिए चला जाता है, लेकिन उस फिल्म के अंदर हमें एक भी वल्गर सीन देखने को नहीं मिलता, और उसी वजह से आज भी उस फिल्म को एक क्लासिक लव स्टोरी माना जाता है। लेकिन अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी फिल्मों के अंदर लीड कैरेक्टर्स ब्रेकअप के बाद जिस तरीके की हरकतें करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक थी, और ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील होती है। वहीं एनिमल फिल्म के अंदर रणबीर कपूर का कैरेक्टर हर बात को लेकर वायलेंस पे उतर आता है, और फिल्म के अंदर वो कैरेक्टर जिस तरीके की वल्गर चीज़ें करता है, यानी कि वो अचानक से रश्मिका के बैक पर स्लैप करना शुरू कर देता है, वही फिल्म में लिटरली तृप्ति रिमली को टोटली नेकेड दिखाया गया था। एक्चुअली वंगा अपनी फिल्मों में वायलेंस के नाम पर वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं। अगर देखा जाए तो वायलेंट और वल्गर फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे कि जेलर, कैप्टन मिलर और विक्रम जैसी फिल्मों के अंदर वायलेंस तो भरपूर था, लेकिन उस फिल्मों के अंदर वल्गैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। डेफिनेटली संदीप रेड्डी वंगा की फिल्मों का म्यूजिक और गाने और फिल्म की जो आइडियाज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ों को फिल्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और वल्गर लगती है। अकॉर्डिंग टू वंगा, अगर फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स के साथ वायलेंस कमिट ना किया जाए तो उनके हिसाब से कोई इमोशन वर्क ही नहीं करता, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि फीमेल कैरेक्टर्स को स्लैप करना या उनके साथ वल्गर होना उनके लिए इमोशंस को शो करने जैसा है। और संदीप रेड्डी वंगा ने इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि उनको इतने सारे क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे भी ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे। सो ओवरऑल संदीप रेड्डी वंगा की फिल्मों के अंदर हमें टॉक्सिक कैरेक्टर्स, वायलेंस और इमोशंस के नाम पर वल्गैरिटी देखने को मिलती है, और यही सारी चीज़ें उन्हें एक ओवररेटेड डायरेक्टर बनाती है। शायद उन्हें अपनी आने वाली फिल्मों में एक्टर्स के स्टारडम को देखते हुए कैरेक्टर्स और फिल्मों को डिज़ाइन करना होगा, वरना उन्हें ये जो फेम मिला है वो बाउंस बैक भी कर सकता है, और जो लोग आज उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं वो कल उनके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। सो ये था संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म मेकिंग पर मेरा वीडियो। वेल, संदीप रेड्डी वंगा आपको कैसे डायरेक्टर लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।